नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है YouTube के इस अनादर वीडियो में। आज आपको मिलाने वाला हूँ मैं कविता गोविंद जी से, जो पुणे से आई हैं और काफ़ी लंबे समय से हमसे ट्रीटमेंट ले रहे हैं। देखिए, AVN का पेशेंट कैसा होना चाहिए वो आपको इनकी स्टोरी से पता लगेगा। कोई भी बीमारी बड़ी या छोटी नहीं होती है, यदि आपके अंदर की जो पावर है, जो व्हील पावर जिसको हम कहते हैं, वो अच्छी होगी तो आप डेफिनेटली ठीक होते रहोगे। आप जब कविता जी की पूरी स्टोरी सुनोगे, अभी वो आपको बताएंगे कि क्या कंडीशन पहले थी, क्या कंडीशन अभी है, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे वो पहले भटक भी रहे थे, है ना, काफ़ी सारे डॉक्टर से उन्होंने बताया भी, और आज की कंडीशन उनकी क्या है, कितना रिलीफ उनको मिला हुआ है ना। अब इतना लंबा समय जब इनको ट्रीटमेंट में हुआ, तो उस बीच में काफ़ी उतार चढ़ाव भी आए, जो हर एक पेशेंट के साथ आते हैं, है ना। और अधिकतर पेशेंट क्या होता है, विड्रॉल कर जाता है कि नहीं यार, हमको नहीं रिलीफ हो रहा है, हम नहीं। बीच में ऐसा कई बार आया होगा कि नहीं हो रहा फ़ायदा, है ना, हम तो क्विट कर देते हैं, हम नहीं अब ट्रीटमेंट लेते। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए एक मोटिवेशन है कविता जी, आप इनकी पूरी स्टोरी ज़रूर सुने, लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखें आप। नमस्कार कविता जी। नमस्ते। पूरी स्टोरी व्यूवर्स को ज़रूर बताएं कि लगभग आपको 1.5 साल 2 साल लगभग हो चुके हैं ट्रीटमेंट लेते हुए, है ना। तो तब से लेकर अभी तक क्या क्या फेजेज आए आपकी लाइफ में, क्या क्या दर्द कैसा रहा, और क्या क्या आपको एक आप क्या बोल सकते हैं कि उसका आपका क्या अनुभव रहा हमारे साथ में, और AVN का क्या अनुभव रहा, ये आप ज़रूर बताएं। मैं कविता गोविंद पूना से बिलोंग करती हूँ। मैं जब मुझे AVN हुआ 2021 में दिसंबर में, मैं लंदन चली गई थी, और जब मैं आई लंदन से, तब मुझे एयरपोर्ट पे ही बहुत बुखार आया था। तब मुझे उन्होंने टेस्ट करवा ली, उन्होंने बोला कि यू आर कोविड पॉजिटिव। फिर उसके बाद मुझे 5 दिन रेमेडीवाइजर दिया गया था, और उसके बाद 5 या 6 महीने के बाद मुझे इमीडिएटली पेन चालू हो गया राइट साइड पे, और तब डॉक्टर ने मुझे लोकल दवाई दी, पेन किलर्स दे दिए, लेकिन मुझे कुछ इतना खास असर नहीं हुआ उसका। फिर मैंने खुद ही अपने से डॉक्टर को बोला कि कैन यू प्लीज़ डू माय MRI, क्योंकि पेन बहुत बढ़ रहा था, मुझे चलने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी। तो डॉक्टर ने बोला ठीक है, MRI करवा लो। तो उन्हें ऐसा लगा कि कुछ तो प्रॉब्लम है, तो उन्होंने सेकेंड टाइम और एक MRI का कर दिया। फर्स्ट डे एक किया और सेकेंड डे एक किया, तो उन्होंने बोला कि आपको AVN हो गया है। AVN ये नाम ही मेरे लिए इतना अजीब था कि पता नहीं ये AVN होता क्या है। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि सी नाउ यू हैव टू गो फॉर द ऑपरेशन, एंड मेरी सेकेंड स्टेज थी। लेकिन मुझे इतना ये अंदर से ये था कि नहीं, मैं ऑपरेशन के लिए तो नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैंने उनको पूछा कि ऑपरेशन तो आप करवा लोगे, लेकिन आप क्या गारंटी देते हो कि ये पूरे लाइफ लॉन्ग ये मैं इससे रिकवर हो जाऊंगी, लाइफ लॉन्ग मैं अच्छे से चलूंगी। उन्होंने बोला गारंटी तो कुछ भी नहीं, और ये सिर्फ हिप रिप्लेसमेंट है, ये 10 साल के लिए होता है, और उसके बाद वी कांट गिव यू द गारंटी। आई सेड आई एम जस्ट इन 40s नाउ, और मुझे इतना सारा समय और लंबा चलना है, मे बी 70-75, और उसके बाद मैं क्या करूँगी 10 साल के बाद। एंड इतना ईजी नहीं है हिप रिप्लेसमेंट। तो मैंने 2-3 डॉक्टर के पास गई, सभी ने मुझे यही कहा कि आपको हिप रिप्लेसमेंट ही करवाना पड़ेगा। फिर मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास गई, फिर मैं और होम्योपैथिक डॉक्टर के पास गई, सभी ने मुझे गाइड किया, लेकिन वो मुझे उतने टाइम तक ही थोड़ा थोड़ा सा असर दिखाई देता था, लेकिन बाद में फिर दर्द चालू हो जाता था। मैं यहाँ पे किसी का भी नाम नहीं लेना चाहती, होम्योपैथिक अच्छा है, एलोपैथिक अच्छा है, या आयुर्वेदिक अच्छा है, सभी अपने अपने जगह ठीक है, लेकिन एट द एंड मैं इतनी थक गई थी ना सबके पास जाके, कि मुझे रात रात रोती थी कि क्या करूँ, अभी मेरी बेटी भी छोटी है, उसको कौन संभालेगा, उसका कैसे होगा, बहुत मुझे प्रॉब्लम होती थी। तो मैं हमेशा रात में जब बैठती थी तो मैं YouTube पे स्टडी करती थी, और अचानक से एक वीडियो आया डॉक्टर आकाश काले का, और वो रात मुझे बहुत याद है
एक वीडियो मैंने देखा, डॉक्टर का वीडियो इतना मोटिवेट था कि मैंने उस रात में डॉक्टर के जितने आपके वीडियो थे वे मैंने सब वीडियो देख लिए सिंगल नाइट में मैंने सब वीडियो देख लिए, पूरी रात में वीडियो देखती रही। और इतना डीपली उनको ये एवियन का नॉलेज है डॉक्टर को, उन्होंने मुझे मैंने उनको टेक्स्ट मैसेज डाला कि डॉक्टर मुझे इमीडिएटली अपॉइंटमेंट चाहिए। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि ठीक है, मैं आपको एक फॉर्म देता हूँ, वो भर लो, मैं आपको अपॉइंटमेंट दूंगा। और डॉक्टर ने भी मुझे इमीडिएटली अपॉइंटमेंट दी। पहले दिन तो जब डॉक्टर की और मेरे फोन हो गया तो मैं उस दिन मैंने रोना ही चालू कर दिया फोन पे, अगर डॉक्टर को याद है। लेकिन डॉक्टर ने मुझे इतना भरोसा दिया कि देखो कि डॉक्टर का काम हम लोग तो कर रहे हैं लेकिन आपकी तरफ से भी उतना ही हमें रिस्पॉन्स चाहिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर टेकिंग द मेडिसिन। कंसिस्टेंसी एंड ट्रस्ट, कंसिस्टेंसी पेशेंट के पास होनी चाहिए और ट्रस्ट हमें डॉक्टर के पास होना चाहिए कि मैं इनके ऊपर भरोसा करके ही दवाई ले रही हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंसिस्टेंसी है लेकिन डॉक्टर पे ट्रस्ट नहीं है, लेना है ऐसा नहीं। दोनों चीजें एक साथ जब चलेंगी, कंसिस्टेंसी एंड ट्रस्ट, तब ही दवाई में असर होता है एंड पॉजिटिविटी। मैं हमेशा मैंने पहले दिन ही डॉक्टर को बोला था, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं पूना से चल के आऊंगी आपके पास और मैं इंटरव्यू दूंगी। डॉक्टर याद है आपको, मैंने पहले ही दिन बोला था क्योंकि मैं बहुत पॉजिटिव हूँ और उसका पॉजिटिव का जो भरोसा है और ज़्यादा डॉक्टर ने मुझ में ये किया, क्योंकि डॉक्टर जब भी मुझे फ़ोन करते हैं तब मैं आधा आधा घंटा उनके साथ बात करती हूँ, 5 मिनट बोलते हैं डॉक्टर, बिकॉज ही इज अ वेरी बिजी पर्सन, आई नो ही इज वेरी बिजी पर्सन, लेकिन मैं बोलती डॉक्टर और 5 मिनट हाँ और 5 मिनट हाँ, और हमारा आधा घंटा होता है क्योंकि आई वॉन्ट टू क्लियर एवरीथिंग। डॉक्टर से कुछ बात छुपाने में कोई मतलब नहीं है, जो कुछ है ना आपके मन में, जो कुछ चल रहा है ना, अगर आप किसी के साथ शेयर करते हो तो आपका दर्द उतना कम हो जाता है। जैसे भी मैंने दवाई स्टार्ट की, आज तक एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि मैंने डॉक्टर की दवाई नहीं खाई है रेगुलरली। एंड डॉक्टर जो कुछ मुझे बोलते हैं, जो कुछ डाइट बोलते हैं, जो भी कुछ मुझे बोलते हैं, मसाज करवाना है, सेकना है, जो कुछ खाना है, मैं सब भी फॉलो करती हूँ और वो कंसिस्टेंसी से फॉलो करती है। ऐसा नहीं है आज खाया कल छोड़ दिया, आज किया परसों नहीं किया, नो, जो डॉक्टर बोलते हैं वो मैं फॉलो करती हूँ। और आई एम रियली थैंक यू टू गॉड एंड आई एम रियली थैंक यू टू यूनिवर्स कि ही सेंड मी टू द बेस्ट डॉक्टर इन माय लाइफ एंड ही इज माय लाइफ सेवर। उन्होंने मेरी लाइफ बचा ली, नहीं तो मुझे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था मेरे लाइफ में। और आज मैं खुद अकेली प्लेन से आई हूँ, पूना से 2 फ्लाइट चेंज करके, बट स्टिल आई एम हियर, आई हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल। थोड़ा सा दर्द है, ऐसा नहीं है कि मैं 100% मुझे अभी रिकवरी हुई है, लेकिन इतना तो भरोसा है मुझ पे और मेरे डॉक्टर पे कि और थोड़े दिन में तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी, और मेरी दवाई और डॉक्टर का आशीर्वाद और मेरा कॉन्फिडेंस मुझे 100% ठीक कर देगा एवियन से। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताइए व्यूअर्स को भी कि पहले की जो फ्लेक्सिबिलिटीज थी, मूवमेंट्स थे, वो किस हद तक रिस्ट्रिक्ट हो रहे थे, डेली रूटीन में क्या क्या चीज़ें दिक्कत दे रही थी, और एज कम्पेयर टू आज की, हम आज के ऐसे देखें कि आज आपकी क्या मूवमेंट्स है, फ्लेक्सिबिलिटी कितनी अच्छी हुई है, ये सारी चीजें बता। पहले तो मेरा पैर लॉक होता था, मेरे घुटने में दर्द होता था, ओके, और मुझे कट-कट की आवाज बहुत आती थी, ऐसा लगता था कि थोड़ी भी मूवमेंट करूँ तो बैक में और हिप्स में कट-कट की आवाज आती थी। वो कट-कट की आवाज पूरी बंद हो गई लास्ट 6 मंथ से। मेरा नी पेन पूरा चला गया, मुझे बहुत नी पेन हो रहा था, और अभी मेरा पैर लॉक भी नहीं होता, बिल्कुल लॉक नहीं होता, और मैं वज्रासन में प्रॉपरली बैठ सकती हूँ, मैं नीचे बैठ सकती हूँ प्रॉपरली, और मैं रोज अभी तो मैं 15 मिनट्स वॉक करती थी, पहले मैं इतना वॉक नहीं कर पाती थी, अभी मैं प्रॉपरली 15 मिनट्स कॉन्फिडेंटली वॉक करती हूँ, और जब मुझे लगता है कि नहीं थोड़ा सा दर्द है तब मैं स्टॉप हो जाती हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे पहले ही बोला है कि व्हेन यू, बिकॉज योर बॉडी इज योर फर्स्ट डॉक्टर, जब तुम्हें बॉडी डॉक्टर बोलेंगे
अच्छा ठीक है आधा घंटा वॉक करो, एक घंटा वॉक करो, लेकिन आपको ही पता है कि आपकी बॉडी आपको कितना रिस्पॉन्स देने वाली है. सो योर बॉडी इज योर फर्स्ट डॉक्टर, ही इज ऑलवेज देयर टू गाइड अस, बट एट द एंड हमें हमारी भी सुननी है कि आप अगर डॉक्टर ने बोला आधा घंटा चलो, लेकिन 10 मिनट में ही आपको पेन हो रहा है, यू हैव टू स्टॉप. क्योंकि ऐसा ना हो कि हम दवाई ले रहे हो और दर्द बढ़ रहा है. सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर सेल्फ. डॉक्टर गाइड के लिए है, दवाई देने के लिए है, लेकिन कंसिस्टेंसी रखनी है और हमारे दिल की या हमारे इनर वॉइस को भी सुनना है. और लिख लो जितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है ना, दैट नोट डाउन, एंड व्हेन देयर इज अ नेक्स्ट अपॉइंटमेंट जस्ट टेल टू डॉक्टर कि ये इम्प्रूवमेंट हुई है या ये पेन ज़्यादा बढ़ा है. जब भी डॉक्टर का फोन आता है मैं एक घंटे पहले बैठती हूँ, मेरा खुद का होमवर्क करती हूँ और मैं डॉक्टर को बोलती हूँ चलो अभी स्टार्ट कर दो. सो दिस इज व्हाट मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था डॉक्टर आकाश काले के साथ. मैंने बहुत लोगों को, मेरा एक पहला वीडियो मैंने घर से निकाला था और डॉक्टर को भेज दिया था, तब मुझे बहुत लोगों ने कॉल किया कि सच में बताओ डॉक्टर कैसे है, उनका ये कैसा है. मुझे यहाँ पे किसी को अभी ये नहीं करना है, किसी की ना मुझे कोई कमीशन दे रहा है, ना मैं यहाँ किसी का मार्केटिंग करने आई हूँ, कुछ भी नहीं है. या जो भी कुछ है वो जेन्युइन है. अगर मुझे, मैं ऐसी औरत हूँ जो अगर नहीं अच्छा लगता तो मुंह पे बोल देती हूँ मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, अगर अच्छा है तो मैं बोलती हूँ कि ये अच्छा ही है. मैं सच बताती हूँ कि मैं इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी 3 महीने पहले, क्योंकि मेरा दर्द बढ़ गया था. तब मैंने डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर शैल आई गो फॉर ऑपरेशन, तो डॉक्टर ने बोला इट्स योर कॉल. लेकिन फिर मैंने बोला नहीं, अगर डॉक्टर बोल रहे हैं कि दर्द बढ़ता है मेरे दवाई से तो उनकी सुननी चाहिए. यस, डॉक्टर के दवाई से दर्द बढ़ता है, लेकिन उतना वो रिकवर भी होता है. तो दोस्तों आपने सुना होगा, देखा अभी भी कि ये जो रिकवरी है वो धीरे धीरे ही होती है. आप सोचें कि हम आज ठीक हो जाएं तो वो पॉसिबल ही नहीं है, है ना. समय लगता है सारी चीज़ों में, धीरे धीरे ही ये बीमारी बढ़ती भी है, होती भी है, तो ठीक भी वो धीरे धीरे ही होगी. तो आई थिंक आपको काफ़ी हद तक समझ में आया होगा कि कैसे एवियन ठीक होगा, कैसे हम लोग एक परसिस्टेंट दवाई यदि हम लेते हैं, एक भी दिन का आप वो नहीं करें, तो आपको ये पता लगेगा कि हाँ हम धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं. थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए. लास्ट में मैं कुछ शॉर्ट्स आपके इनके एक्सरसाइज के मूवमेंट के भी आपको बताऊंगा, क्योंकि अक्सर लोग ये बोलते हैं मुझसे कि सर आपने मूवमेंट तो बताया नहीं, पेशेंट ने केवल बोल दिया, आपने करके नहीं बताया. तो हम सारी चौकड़ी मार के भी इनको बताएंगे, बिल्कुल सारे मूवमेंट्स इनके काफ़ी बढ़िया है. थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए. लास्ट थिंग, यू हैव टू बी वेरी हैप्पी. मुझे पता है एवियन में दर्द होता है, लेकिन खुश रहना सीखो, अगर खुश रहोगे तो जल्दी ठीक हो जाओगे. दोस्तों एक और चीज आपको बता दूं कि कविता जी जो है वर्किंग वूमेन है और इनका खुद का यूट्यूब चैनल है वॉर्म एंड डिलीशियस. आप जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज वॉर्म एंड डिलीशियस टाइप करें यूट्यूब पे और उन्हें सब्सक्राइब भी जरूर करें, ताकि आपको पता लग पाएगा कि एक थ्रू एवियन फाइटर है ये, है ना. तो एवियन के साथ में सारी चीज़ें मैनेज भी कर रहे हैं, पूरा घर चला रहे हैं. तो थैंक यू सो मच आप सभी का पूरा वीडियो देखने के लिए. कुछ मोमेंट्स हम इनके आपको अब बताते हैं. धन्यवाद. थैंक यू जी. आप कविता जी मुझे ये बताइए पहले कि पहले कैसे आप चलते थे, लिंपिंग भी होती होगी, और पहले की क्या गेट थी, कैसे अपन चलते थे, उस टाइप से मुझे पहले वाली चाल बताइए, फिर अभी वाली चाल बताना आप. मुझे लिंपिंग नहीं हुआ, लेकिन मेरा पैर लॉक हो जाता था, तो मुझे चलना ही नहीं होता था. अच्छा. लिंपिंग ऐसे कभी मुझे हुई नहीं, लेकिन लॉक मैंने एक्सपीरियंस किया है कि मुझे मेरा पैर लॉक हो जाता था. चलने में भी डिफिकल्टी? नहीं, अभी कुछ नहीं. आई एम जस्ट वॉकिंग वेरी नॉर्मली एवरी डे. आई एम जस्ट वॉकिंग एटलीस्ट 15 to 20 minutes. आई हैव नो इश्यूज. पहले इतना फ्रीली चल पाते थे आप? नो, नहीं हो पाता था इतना, नहीं, दर्द होता था. ओके. और नीचे आप बैठ करके एक बार देखें कि कितना हो रहा है. इफ यू वांट आई कैन. ओके, इट्स वज्रासन में तो मैं प्रॉपरली बैठ पाती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है. ओके. इतना कितने समय आप बैठ पाते हैं ऐसा? हाफ एन आवर. यस. कोई पेन नहीं होता इसमें? बिकॉज
आई डू रेगुलरली एक्सरसाइज जो आपने मुझे बताई थी वो मैं फॉलो करती हूँ, स्ट्रेचिंग, और वो इससे मुझे बहुत फर्क पड़ा है। ओके, तो पहले वज्रासन नहीं हो पाता था? नहीं, है ना। ओके, और चोकड़ी मार के बताइए। ओके, सो चोकड़ी मार के तो मैं नीचे ज़्यादा ठीक से बैठ सकती हूँ। सो दिस इज हाउ आई जस्ट सिट वेरी प्रॉपरली। इसको कितने समय तक आप ऐसे ही बैठ पाएंगे? 10-15 मिनट्स। ओके, अभी कोई दर्द भी नहीं है? कुछ भी नहीं है ना, कोई हैवीनेस नहीं लगती पैर में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पहले घुटना भी दर्द होता था काफी, बहुत, है ना, मतलब चलना भी नहीं होता था। इसमें हमने कोई आपको थेरेपी नहीं दी है, किसी प्रकार का ऐसा नहीं बोला कि ये कपिंग करवा लो या पैर खिंचवा लो या ऐसा कुछ, है ना? नहीं, पहले जो मैंने डॉक्टर लिए थे उन्होंने बहुत प्रकार के कपिंग किया, ये किया, वो कुछ भी फायदे का नहीं हुआ मुझे। लेकिन आपकी दवाई के बाद मुझे इतना असर हुआ कि मैं प्रॉपरली अभी बैठती हूँ, प्रॉपरली एक्सरसाइज करती हूँ, स्ट्रेचिंग करती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब सारी चीजें दवाई से ही हुई है, इंटरनल मेडिसिन से? यस, इंटरनल मेडिसिन एंड व्हाट एवर एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग यू टोल्ड मी दैट आई एम फॉलोइंग दैट एंड योर डाइट। ओके, थैंक यू सो मच। और कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? खुश रहो, अच्छे से रहो, और डॉक्टर की दवाई हमेशा रेगुलर लेते रहो। अरे वाह, बहुत बढ़िया।